आगरा फतेहपुर सीकरी लोकसभा से सांसद चौधरी बाबूलाल की टिकट कटने के बाद सांसद चौधरी बाबूलाल और उनके समर्थकों में भारी नाराजगी है। दरअसल आपको बता दें कि आगरा फतेहपुर सीकरी लोकसभा के सांसद चौधरी बाबूलाल की टिकट काटकर राजकुमार चाहर को भाजपा प्रत्याशी बनाया है। राजकुमार चाहर को बीजेपी प्रत्याशी बनाए जाने के बाद सांसद चौधरी बाबूलाल बेहद नाराज है और उनके समर्थकों में भारी गुस्सा है। सांसद चौधरी बाबूलाल की राजनीति का सफर तय करने के लिए एक विशाल महापंचायत का आयोजन आगरा किरावली पर चौधरी रघुनाथ सिंह महाविद्यालय में किया गया है। इस महापंचायत में हजारों की संख्या में गांव के प्रधान और ग्रामीणों की मौजूदगी देखी जा रही है। तो वही मीडिया से बात करते हुए सांसद चौधरी बाबूलाल कैमरे के सामने रो पड़े। अपना दुख व्यक्त करते हुए रोते रोते सांसद चौधरी बाबूलाल ने भारतीय जनता पार्टी पर कई आरोप लगाए हैं। सांसद चौधरी बाबूलाल को अभी भी संभावना है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा में है, जो फतेहपुर सीकरी की टिकट पर विचार विमर्श कर सकते हैं। फिर भी सांसद चौधरी बाबूलाल ने ये स्पष्ट कर दिया है, अगर उन्हें सम्मान नहीं मिला तो जो जनता का जनादेश होगा उसे माना जाएगा। संभावना जताई जा रही है कि चौधरी बाबूलाल बीजेपी प्रत्याशी को हराने के लिए निर्दलीय मैदान में आ सकते हैं। बड़ा गुस्सा है टिकट कटने के बाद, जो हम भीड़ देख रहे हैं ये सैलाब है, इस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ये जनता का प्यार है, जनता के साथ जिस तरीके से अनादर हुआ है उसका अनादर का यहाँ पर व्यक्त करने के लिए आए। हम लोगों ने जिस तरीके से पार्टी ने हमारा टिकट काटा, कहता जी हमको बता देते कि हमने पार्टी के साथ कौन सा गलत काम किया है, कौन सी पार्टी से हट करके हम लोगों ने बात की है। उसके बाद हम लोगों ने पूरी बात नेताओं को बताई, नेताओं के बताने के बाद उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया तो हम लोगों ने जनता को बुला करके अपनी बात कहने का हमने कहा कि हम आपके सामने अपनी बात रखना चाहते हैं कि हमारे साथ ये हुआ है। और हम लोग ने जब से हमने राजनीति संभाली है कभी भी हमने दलाली बट्टे करने का काम नहीं किया, कभी भी भ्रष्टाचार का हमारे यहाँ कोई मतलब नहीं रहा, कभी भी हम लोगों ने अपनी जनता के साथ जिस तरीके से परिवार के लोगों के साथ व्यवहार करते हैं ऐसी जनता के साथ हम लोगों ने आज तक व्यवहार किया। कभी भी जनता से हमने काम के बदले में रिश्वत के रूप में 2 पैसे और या किसी लोभ लालच में हमने कभी भी कोई काम नहीं किया। पार्टी ने जब जब भी सहयोग के लिए कहा, चाहे 1 रुपया से लेकर के जब जितने की भी कहा, हम लोगों ने वो उनकी नेतृत्व के आदेश का पालन हम लोगों ने हमेशा किया। उसके बावजूद हम लोगों को टिकट काटना, उसका फिर जवाब नहीं देना, तो हम लोगों ने जनता को बुलाया कि हमारे साथ ये हुआ है, आप हमें आदेश दें हम लोग क्या करें। पार्टी ने गद्दारी की है, केवल आपकी टिकट नहीं काटी, पार्टी ने गद्दारी की है, क्या मानते हैं आप? नहीं, पार्टी ने, मैं गद्दारी शब्द को ठीक नहीं मानता। पार्टी का जो मतलब आदेश है कायदा से वो जनता को के दिल गले नहीं उतर रहा, जनता में इसी बात को लेकर के आक्रोश है। आप बुद्धिजीवी हो, पत्रकार हो, आपके सामने यहाँ से राजभवन मैदान छोड़ के भागा, आपके सामने सीमा उपाध्याय मैदान छोड़ के भागी 4-5 महीना प्रचार करने के बाद, क्यों? जनता ये पूछनी चाहती है, जब तक बाबूलाल का नाम चल रहा था और जनता को उम्मीद थी कि बाबूलाल को टिकट मिलेगी, जब ये मैदान छोड़ के भागे, उसके बाद जैसे ही बाबूलाल के टिकट कटा ये दोनों राजबाबर भी आ गया, अब सीमा भी आप लोगों के सामने आने वाली नहीं आ चुकी। तो ये सब तरीके से अब भी मौका है, पार्टी को पुनर्विचार करें, जनभावना का आदेश करें, सम्मान करें। हम लोग आदिजात पार्टी के सम्मान के लिए, पार्टी के आदेश के लिए तैयार है। क्या ये बात भी आई थी सामने कि आपसे पार्टी में फंड जमा कराया गया, या कुछ आपको ऐसा लगता है कि किसके इशारे पर आपकी टिकट काटी गई हो? नहीं, अब किसके इशारे पे, तो ये तो अब ऊपर वालों का जवाब है कि किसके इशारे पे काटा, मुझे नहीं पता कि किन के कहने से मेरा टिकट काटा। जहाँ तक फंड का बात है, पार्टी ने जब जब भी आदेश दिया हम लोगों को, हमेशा जो आदेश दिया उसका अनुपालन हम लोगों ने हमेशा किया। पार्टी के आदेश की अवहेलना हम लोगों ने कभी नहीं की, चाहे भीड़ से संबंधित हो, चाहे पैसे से संबंधित हो, जैसा भी आदेश उनका आया हम लोगों ने उस आदेश को अक्षर से मानने का काम किया। आज जो जनता का आदेश होगा तो क्या आप निर्दलीय भी मैदान में हो सकते हैं? नहीं, जनता के आदेश जो भी होगा उसमें विचार करेंगे। अभी
सूचना मिल रही है कल से यहाँ आदरणीय अमित शाह जी आ रहे हैं, प्रदेश के प्रभारी मंत्री प्रभारी जी आ रहे हैं, जेपी नड्डा जी, वो सूचना मिल रही है कि वो लोग बात करना चाहते हैं। अगर सम्मानजनक बात होती है तो हम लोग जो प्रस्ताव आएगा उसको जनता के बीच में रखेंगे, अगर जनता उसका मानने का आदेश देगी हम लोग मानेंगे, अगर जनता को वो आदेश वो प्रस्ताव मंजूर नहीं होगा तब नहीं मानेंगे। ऐसे ही मुंबई, महाराष्ट्र और देश की तमाम खबरों को देखने के लिए आपका न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना।